नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 78% से ज़्यादा बच्चे पास हो पाए हैं। आपको पता है कि इस बार की परीक्षा में 16,84,000 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था, जिसमें से 78.17% स्टूडेंट्स पास हो पाए हैं। आपको पता है कि बीते दिनों ही कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत इस बार बिहार बोर्ड ने किसी भी प्रेस वार्ता का आयोजन नहीं किया है, ऑनलाइन रिजल्ट को घोषित किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर, उनके साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार आपको नजर आ रहे होंगे। संयुक्त रूप से सभी लोग बैठे हुए हैं और ऑनलाइन जो है इस बार बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। लंबे समय से मैट्रिक के परीक्षार्थियों को इंतजार था कि रिजल्ट कब आएगा और बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा के बाद एक बार फिर से नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है, नया रिकॉर्ड बना लिया है। मैट्रिक का रिजल्ट भी सबसे पहले जारी करने के बाद 78.17% स्टूडेंट्स 2021 मैट्रिक की परीक्षा में पास हुए हैं। हालांकि बीते साल के मुकाबले रिजल्ट में कुछ गिरावट आई है, फीसदी में कुछ गिरावट आई है। 2020 में यह परसेंटेज जो है वो 80.59% था, जो इस बार घटकर 78.17% हो गया है। हालांकि कोरोना काल में इसे बेहतर प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से स्कूल्स बंद थे, कोचिंग संस्थान बंद थे और पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन पर निर्भर हो गई थी, इंटरनेट पर निर्भर हो गई थी। ऐसे समय में बिहार के बच्चों का अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। इसे 78.17% बच्चे जो हैं वो मैट्रिक की परीक्षा में पास हुए हैं। फिलहाल अभी ऑनलाइन प्रेस वार्ता चल ही रही है, धीरे धीरे करके रिजल्ट को घोषित किया जा रहा है। जो भी जानकारी आ रही है हम आपको बताते हैं। कुछ टॉपर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें रोहतास के संदीप झा, जमुई की सुभाषिनी और जमुई की पूजा कुमारी का नाम शामिल है। टॉप 10 स्टूडेंट्स में इस बार काफ़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं, 101 स्टूडेंट्स का नाम जो है वो टॉप 10 की लिस्ट में आया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की तरफ से इन सभी स्टूडेंट्स का सत्यापन पहले ही कर लिया गया था, इनका टेस्ट दोबारा से लिया गया था, ताकि बाद में कोई सवाल खड़े ना कर सके, बोर्ड की किरकिरी ना हो कि बिना प्रतिभा वाले बच्चों को टॉप 10 में डाल दिया गया। पूरी तरह से जांचने परखने के बाद ही टॉप 10 की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। फिलहाल धीरे धीरे करके अपडेट आ रहे हैं। आपको बता दें कि 16,84,000 स्टूडेंट्स ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी और 8,38,000 छात्राएं शामिल हुई थी। आपको बता दें कि इसी साल 17 से लेकर 24 फरवरी के बीच में परीक्षा का आयोजन किया गया था और बिहार में कुल 1,525 सेंटर बनाए गए थे। कॉपियों का मूल्यांकन 24 मार्च तक चला था, जिसके बाद आज 5 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इससे पहले इंटर का रिजल्ट 26 मार्च को जारी किया गया था, जिसके बाद बोर्ड ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया था अपने नाम पर। आनंद किशोर को अवार्ड भी मिला है पहले परीक्षा और पहले रिजल्ट घोषित करने का कोविड काल में, और मैट्रिक की परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ है। और बोर्ड्स के मुकाबले बिहार बोर्ड ने सबसे पहले परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है और 78.17% बच्चे 2021 में पास हो पाए हैं। पहले 2020 में ये जो परसेंटेज है वो 80.59% था। आपको बता दें कि टॉप 10 में करीब 101 बच्चों का नाम शामिल है, जिनमें से अधिकतर बच्चे सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के हैं। आपको पता है कि जमुई के सिमुलतला विद्यालय का कितना नाम है और टॉपर्स फैक्ट्री कहा जाता है। हर बार यहाँ से कई सारे बच्चे निकल कर आते हैं जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, और इस बार भी इस रिकॉर्ड को सिमुलतला ने करीब करीब अपने हाथों में ही रखा हुआ है। आगे देखते हैं कि कितनी लड़कियां और कितने लड़के पास हो पाए हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है, कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा नंबर कौन लेकर आया है, टॉपर कौन बना है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।